हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सनराइज ऑनलाइन क्लासेस। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारी 0.1 चल रही थी, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया था। नाउ आज हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द शॉर्ट फॉर्म। आपको यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म दे रखी है। ये फॉर्म कौन सी होती है? एक्सपांडेड। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात है, बहुत इजी कंसेप्ट है। आप प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, वंस, टेंस, हंड्रेड। ओके, नाउ ये सिंगल नंबर है, तो ये किसकी पोजीशन पर हुआ? वंस। इसको वंस पर जाकर बिठा देते हैं। फिर ये वंस और ये है टेंस, मतलब सिक्स की पोजीशन कौन से नंबर पर है? 10 की पोजीशन पे, तो इसको 10 की कुर्सी पर बिठा दो। अब ये जो 5 है वो कौन सी पोजीशन पर है? वंस, टेंस, हंड्रेड। वंस, टेंस, हंड्रेड, तो मतलब 5 को किसकी चेयर पर बिठाना है? 100 की पोजीशन पर। नाउ आंसर इजी बन गई शॉर्ट फॉर्म, 567, 567। और देख लेते हैं, 200, 110 एंड 6 ones। आपको यहाँ डायरेक्ट ही दिया गया है 100, 10 और 1। 100 पर किसको बोला है? 2 को, डायरेक्ट ही चेयर बता दिए। 1 पर किसको बोला है? 10 को। और 6 को किस पर बोला है? ones को। आंसर इज गिवन 216। ईजी। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड तो बहुत ईजी था, आप ईजी गोइंग कर पाएंगे, क्योंकि ये तो वैसे भी आपका क्लास सेकेंड का ही कुछ पार्ट है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपांडेड फॉर्म। अब ये क्या होता है, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत इजी लगता है, बट क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट नहीं होती। एक्सपांडेड फॉर्म, ये वाली जो फॉर्म थी हमारी, ये क्या थी? एक्सपांडेड। इसको कन्वर्ट किया था हमने शॉर्ट फॉर्म में। ओके बेटा, तो आपको प्लस वाली जो फॉर्म होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपांडेड फॉर्म। क्लियर? जैसे कि इसका ए वाला क्वेश्चन कह रखा है 638, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी वर्क है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला नंबर कौन सा है? 6। इसके पीछे कितने लोग हैं? 1 और 2, तो हमें यहाँ पर 2 ज़ीरो लगाने हैं। ओके, नाउ 3 के पीछे कितने हैं? 1 ही है, तो 1 ज़ीरो। और लास्ट नंबर इज 8। ओके, नाउ दिस इज योर आंसर। एक और करके देख लेते हैं, डी वाला 805। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या लिया? 8। पीछे कितने हैं? 1 एंड 2, तो 2 ज़ीरो की सेटिंग करवा देते हैं। फिर है 0, 0 के पीछे भी कितने हैं? 1 ही नंबर है, 1 ज़ीरो लगा देंगे। हमेशा ध्यान रखना 0 ही लगाना है बेटा, है ना। नाउ लास्ट नंबर इज 5, 5 के पीछे 1 भी नहीं है, तो 1 भी 0 नहीं लगाएंगे। तो ये आपकी बन गई एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, ईजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग एज शोन। ए वाला क्वेश्चन है 7 + 6 = 10 + फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ आपको एडिशन करना है और ये वापस फिल करना है। देखो 7 और 6, इनको प्लस करने पर कितना होता है? तो एक चीज़ तो एडिशन की शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता देती हूँ साथ में। 7 के बाद कितने प्लस करने हैं? 6। हम फिंगर पे करेंगे। 6 कहाँ आता है? यहाँ आता है। जब हम एडिशन और सीखेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। 6 हमारा कहाँ आता है? जहाँ मैंने पेन रखा है वहाँ आता है। ओके, गिवन कितना है आपके पास? 7। उसके आगे से काउंट करते हैं। देखो 8,
9, 10, 11, 12, 13. कितने हो गई टोटल? 13. तो अब हम यहाँ लिखते हैं 13. अब हमें 10 में कितना और प्लस करना है कि 13 बन जाए. तो 10 के बाद हमें 13 तक काउंट करना है. 11, 12, 13. कितने नंबर हुए? वापस करते हैं. 11, 12, 13. कितने नंबर हुए? 1, 2, 3. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3. ईजी. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, बी वाला क्वेश्चन करके देखते हैं. इसमें 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 10 प्लस. ओके, तो नाउ सबसे पहले हम 8 में 8 ऐड करके देखते हैं आंसर कितना आता है. ठीक है, और 8 के बाद से ही काउंट करेंगे. फर्स्ट नंबर 8 दे रखा है तो उसके बाद से काउंट करना है. नाउ हमारी फिंगर पे 8 कहाँ होता है? यहाँ पर. और फर्स्ट नंबर 8 ही दे रखा है. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. एडिशन कितना हुआ हमारा? 16. अब 10 में हमें कितना प्लस करना है? तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं. 10 में लास्ट नंबर कितना था? 3. तो 3 ले लिया. 10 में लास्ट नंबर यहाँ पर कितना है? 6. तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 6 भी लिख सकते हैं. बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट नंबर टेंस को रिप्रेजेंट करता है. फर्स्ट नंबर टेंस को रिप्रेजेंट करता है. तो क्या रिमेन रहा? 6. नहीं तो एडिशन करके भी देख लो. हमें कहाँ तक जाना है? 16 तक. 11, 12, 13, 14, 15, 16. कितने नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हमने 6 लिख दिया. दोनों ही मेथड में आपको एप्लीकेबल कर रही हूँ. एक एफ वाला क्वेश्चन और देख लो. 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 10 प्लस. ओके, नाउ 5 और 9 को हम प्लस करके देख लेते हैं. 9 कहाँ होता है आपकी फिंगर में? यहाँ. ठीक है, किसके बाद से एडिशन करना है? 5 के बाद से. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. कितना हुआ? 14. अब 10 में हमें कितना प्लस करना है? सिंपल सी ट्रिक है. वंस टेंस को रिप्रेजेंट करता है तो डायरेक्ट आंसर ही निकल कर आता है 4. ओके, और दूसरा और थोड़ा सा लॉन्ग से देख लें. कहाँ तक जाना था? 14 तक. 11, 12, 13, 14. कितने नंबर हुए? 1, 2, 3, 4. हमने आंसर लिख दिया 4. ओके, आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं. नाउ आज का जो आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच.